लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे कितना हेल्दी है आपका स्पर्म काउंट, इन संकेतों से पहचाने। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिलाओं की हेल्थ जितनी मायने रखती है उतना ही अहम पुरुषों का स्वास्थ्य भी होता है। खासकर स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी का बेहतर होना बहुत जरूरी होता है। अगर पुरुषों का स्पर्म सही ना हो, उसकी क्वालिटी खराब हो और क्वांटिटी भी कम हो, तो इस कंडीशन में पुरुषों के लिए पिता बनना चैलेंजिंग हो सकता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए ये जान लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ें मेल फर्टिलिटी को प्रभावित करती हैं। हालांकि इसमें भी ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि आखिर आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपकी स्पर्म क्वालिटी सही है या नहीं। स्पर्म काउंट हेल्दी होने के संकेत। आपका स्पर्म या स्पर्म काउंट हेल्दी है या नहीं, ये कई तरह के फैक्टर पर निर्भर करता है। जैसे स्पर्म की क्वांटिटी, पुरुषों की फर्टिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि जब एक बार में इंजेक्ट होते हैं तो इससे करीब 15 मिलियन से 200 मिलियन तक स्पर्म एक साथ निकलता है। इंजेक्यूलेशन यानी आपका वीर्य निकलने के दौरान अगर स्पर्म क्वालिटी इससे कम है तो इसे सही नहीं माना जाता है। दरअसल जब स्पर्म की मात्रा कम होती है तो महिला को कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्स के साथ फर्टिलाइज होने के लिए कम स्पर्म रह जाता है। अगर स्पर्म काउंट कम हो या क्वालिटी खराब हो तो उसकी मूवमेंट भी प्रभावित होती है। दरअसल स्पर्म की मोबिलिटी का सही होना जरूरी है, तभी वह अपने निश्चित जगह पर पहुंच सकता है। स्पर्म को महिलाओं के सर्विक्स यूट्रस फेलोपियन ट्यूब में मूव करना होता है। इस मूवमेंट को मोटे मोटिलिटी कहा जाता है। अगर स्पर्म मोटिलिटी सही ना हो तो इससे प्रेगनेंसी कंसीव करने की संभावना 40% कम हो जाती है। इसलिए स्पर्म मूवमेंट का सही होना बहुत जरूरी है। ऐसा तभी हो सकता है कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही हों। स्पर्म स्ट्रक्चर का सही होना भी जरूरी होता है। अमूमन स्पर्म का हेड ओवल होता है और लंबी टेल यानी पूंछ होती है। हालांकि ये बात बहुत उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी स्पर्म मूवमेंट और स्पर्म क्वालिटी होती है। इन चीज़ों पर स्पर्म क्वालिटी तय होती है। मेल फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या क्यों होती है वो भी आपको बता रहा हूं। हाई पोथेलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड में समस्या होती है। ये ब्रेन का वह हिस्सा होता है जो पुरुषों के टेस्टिकल्स को भी टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु बनाने का संकेत देता है। टेस्टिकुलर से जुड़ी बीमारी, स्पर्म ट्रांसपोर्ट डिसऑर्डर, बढ़ती उम्र, खासकर 50 साल की उम्र के बाद स्पर्म क्वालिटी को कैसे बेहतर करें। पुरुषों को हमेशा अपने वेट को मैनेज करना चाहिए। वजन जितना ज़्यादा होगा, स्पर्म क्वालिटी उतनी खराब होने का जोखिम रहता है। हमेशा डाइट में हेल्दी चीज़ें शामिल करें। जंक और फास्ट फूड से दूरी बनाएं। रेडी टू ईट फूड का सेवन भी ना करें। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से दूर रहें। ऐसे किसी शख्स के साथ शारीरिक संबंध स्थापित ना करें जिन्हें एसटीडी है। अपने स्ट्रेस के स्तर को मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप डॉक्टर से ही संपर्क कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी पर जोर दें, इससे बॉडी एक्टिव रहती है और शरीर में एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का स्तर भी बढ़ता है।
इस तरह देखा जाए तो स्पर्म क्वालिटी में सुधार होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।